असलम दिस इज अफ़ीरा और हम आज आपके साथ एक और डी ब्रीफ के अपिसोड में मौजूद हैं दो मैंने बहुत रजिस्ट किया कि मैं होस्ट नहीं करना चाहती बट सलमान मेट छोर के आज वो मुझे दो न्यू गेस्ट दे और मैं ही उसको होस्ट करूँ सो so, आज हमारे साथ हमारे दो नए टीम मेम्बर्स मौजूद हैं हसान सलीम आर ग्राफिक डिज़ाइनर वेलकम टू द टीम एंड डी ब्रीफ थैंक यू हाउ आर यू I'm fine. Good. And हमारे दूसरे मम्बर जो आज हमारे साथ दी ब्रीफ़ पर मौजूद हैं ही इज़ uh, उसामा ख्वाजा एंड ही इज़ रिसर्च जर्नलिस्ट हाउ आर यू उसामा अलहमद लाला बेहतरीन इस, आप बताएँ so, आप कैरियर से ज़बरदस्त सो आप लोगों के शुरू के कुछ दिन ऑफिस में कैसे गुजरे

ियंस हेयर वेरी डिफरेंट एंड गुड क्योंकि इससे पहले मैं बहुत फॉर्मल सेटिंग्स में काम करती रही हूँ विद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तो वो बहुत फॉर्मल सी सेटिंग हो जाती है ना यहाँ पे एक तो टीम भी बहुत यंग है ठीक है एनर्जेटिक hmm. और आइडियाज अप होते रहते हैं इधर उधर से creative, yeah. हाँ एक्जैक्टली हाँ, exactly, एक्जैक्टली exactly. तो मेरे लिए ये वाला एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है फ्राम माई प्रीवियस जॉब्स तो मुझे तो बहुत मजा आया है मतलब एट टाइम्स बंदा थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं बट वो हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो लेट्स टॉक अबाउट हाँ बिल्कुल हम कॉमेंट से चार्ट करेंगे पहले वो वाला कमेंट पढ़े फिर वो लंबा वाला आई गेस दिस इज हसन इट्स इट्स नॉट यू अच्छा कल मैंने सोचा था कि मैं इसको पढूंगी फिर मैंने दो दफ़ा इसको खोला फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई <laughs> और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया मतलब मैं काफ़ी थक गई थी एंड आई वाज आई ओके बट गुड थिंग इज़ कि लोग डी ब्रीफ को देख रहे हैं और मतलब हमें सजेशंस भी हाँ सजेशन्स भी अच्छी मिल जाती हैं हमें यहाँ से एंड समी वली इन्वाइट मुजमिल सो प्लीज़ मुजमिल आप किसी दिन हमें डी ब्रीफ पे टाइम दें एंड एल्स यू वॉन्ट टू डिस्कस कमेंट्स में कुछ ऐसा आ, एक एक वो था कमेंट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की खासी की तारीफ की हुई थी हाँ आ, कल ऐसा क्या डिस्कस आई गेस वो um, अच्छा तो कल बात कुछ इस तरह से हुई थी कि हम यहाँ पे अपने ओपिनियंस दे सकते हैं ना तो समबडी सेट के uh, इमरान खान इज नॉट

जहाँ पे लीडरशिप की बात है दैट्स डिफरेंट मुझे hmm. लगता है कि ही इज अ गुड लीडर ठीक है बट मुझे पर्सनली लगता है कि टीम का इशू बहुत रहा है ठीक hmm. है कि इमरान खान की जो करीबी लोग रहे हैं वो डिफरेंट इशूज में इन्वॉल्व रहे हैं ठीक है

मेरे पास स्टील मिल को ठीक करने के लिए टीम है फ्लान टीम है फ्लान टीम है तो इसका मतलब है कि उनके पास या तो टीम नहीं थी या उनकी प्रिपरेशन नहीं थी तो या फिर उन्होंने जो जो लोग प्रिपेयर थे उनको उन जगहों के ऊपर अपॉइंट नहीं किया अच्छा जैसे इकॉनमी like वाली टीम में आई फील लाइक कि हफीज़ शेख वॉज डूइंग गुड ठीक है वो बस पब्लिक प्रेशर में आके इमरान खान ने उन मतलब उतना टाइम ही नहीं दिया कि वो बंदा काम करे एंड देन तरीन केम एंड उन्होंने कुछ वही चीज़ें कंटिन्यू की और कुछ और मतलब इस तरह के इश्यूज हुए कि अब आप देखें कि डॉलर दोबारा से आ, मतलब उसकी प्राइस ऊपर जा रही है और बहुत ज़्यादा हाँ एक्जैक्टली exactly, ठीक है तो इस तरह के इशूज़ मुझे लगता है कि टीम की मैनेजमेंट में उनको ईशूज़ काफ़ी सारे रहे हैं ओवरऑल सो so, हमारे पास पिछले कुछ डी में कमेंट्स आ रहे थे अगर आप लोग हमारी कोई पुरानी डी देखी हो कि टेक्नोलॉजी पे हम बात नहीं करते सो so, आज हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी सी बात टेक्नोलॉजी पे भी करते हैं क्योंकि दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी एंड इट वाज ऑफ वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग जो चार दिन की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी एंड आई इनक्रेज के आप लोग hmm. भी देखें उसकी वीडियोज़ रॉइटर्स और सी जी टी एन एंड ग्लोबल टाइम्स इन्होंने उसको प्रॉपर कवर किया हुआ और वो बहुत बहुत इम्पो मज़े की चीज़ें थीं उसमें जो सबसे अच्छा uh, उसका जो थीम था दैट वॉज़ शेयर न्यू अचीवमेंट्स इंजेक्ट न्यू डायनेमिक्स ठीक है और उसमें फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले uh, की हुई थी और तकरीब वन हंड्रेड एंड टेन जो uh, Enterprises थे वो उसमें इन्वॉल्व थे ये सिर्फ चाइना के थे या हाँ चाइना के थे बट वो ओवरऑल उस मतलब अपनी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल उसको हाँ डिस्प्ले रहे थे और उसमें बहुत मज़े की चीज़ ये थी कि उसमें मेडिकल रोबोट्स भी थे कि नर्सिंग रोबोट्स थे कि आ, आपकी जो आ, कि आपको नर्सिंग में बहुत ज़्यादा फिर आपको ह्यूमन एलिमेंट नहीं human चाहिए होगा हाँ एग्जैक्टली हाँ, exactly. और उसमें आ, नर्स रोबोट कैन बी विद द पेशेंट ट्वेंटी फोर आवर्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली और उसमें बायोनिक रोबोट्स थे ह्यूमनाइड रोबोट्स थे और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे उसमें लगी थी वो ये थी कि इन्होंने जो ह्यूमनाइड रोबोट बनाया हुआ था वो एल्बर्ट एंड एंडसाइन का बनाया हुआ था और वो चाइनीज बोल रहे थे

exactly wo aaya uske baad abhi tesla ne recently announce kiya hai ki they will be introducing a humanoid robot which will be able to help मतलब वो घरों में लोगों को help करेगा हाँ, तो वो हाँ, हाँ, इवन रेस्टोरेंट्स तो, में और हाँ, इस तरह की मतलब सर, सर, सर्विस इंडस्ट्री में बेसिकली exactly. तो अच्छा मैं एक और चीज़ भी सोच रही थी कि आ, जब मैंने इस ये इस पे डॉक्यूमेंट्री देखी तो आई वॉज थिंकिंग यहाँ पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या नहीं होती आई जस्ट गूगल और मुझे नस्ट की एक कॉन्फ्रेंस मिली जो 2000 थाउजेंड एंड एंड में हुई थी ठीक hmm. है और अब ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और वो रोबोट एंड ऑटोमेशन पे थी एंड इफ़ आई एम नॉट यू आर फ्राम कॉमसर्ट्स तो कॉमसर्ट्स yes. भी कुछ इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवाती का है, है का रोबो, रोबो कौन होता है उसमें मतलब देर आर डिफरेंट कैटेगरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स होते हैं मकैनिकल रोबोट्स होते हैं देर रोबो फाइट्स अच्छा okay. wow. लेकिन मसला uh, पता क्या है कि हम अपनी इस तरह की चीज़ें पब्लिकली प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे होते ठीक है कि actually, लोगों को पब्लिक को नहीं पता होता कि ये चीज़ें hmm. हो रही हैं और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मुझे इस इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो अगर मुझे पता हो कि अच्छा यहाँ पे कॉम सेट्स में या नास्ट में इस तरह की कोई एग्जीबिशन हो रही है ठीक है तो आई लव टू गो एंड वॉच दीज थिंग्स ठीक है एक्चुअली ना वो चीज़ें स्टूडेंट जो हमारा एरिया है ना जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं वो चीजें उन्हीं में सर्कुलेट होती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज मोस्टली जो है वो बाहर के लोगों को अंदर अलाउ नहीं करती हैं और सिक्योरिटी इशूज होते हैं hmm, जिस वजह से वो बाहर वो उस तरह फैलता नहीं है बट द थिंग इज अगर वो एक मतलब पूरे नेशनल लेवल पे कराई जाए या एक सिटी exactly. के लेवल पे कराई जाए तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव उस hmm. तरह कोई फंड करने को इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस तैयार भी नहीं होता हालांकि हाँ प्रायोरिटाइज करना चाहिए आगे ना, आगे ना चाहिए, बिल्कुल मतलब अभी जब ये नई गवर्नमेंट आई थी अब तो नहीं, नहीं है बट जब तो ये गवर्नमेंट आई थी।, थी तो इन्होंने साइबर एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत फोकस किया था तो आप आ, जो यंग लोगों लोगों का इंटरेस्ट गेज करने के लिए क्या कर रहे हैं इसी तरीके की चीज़ें तो आप एग्जिबिशंस मतलब करेंगे और मतलब जो स्कूल इवन स्कूल के स्टूडेंट्स को आप बुला के ये चीज़ें दिखाएँ ताकि उन उनमें भी वो जो Uh, lack of on STEM है न, पाकिस्तान में of so there is not बुक्स याद कराई जाती है मतलब, मुझे क्लास की हैं। हैं। आज भी याद है इतना ज्यादा दिखा के वो चीजें हमें याद कराई जाती है कि वो जिंदगी भर भूलती नहीं है तो आर माइंड इज टक देर देर इज न हाँ। मतलब एक बच्चा है जिसने जिसका माइंड इज ऑफ एन आर्टिस्ट जरूरी नहीं है कि उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे होने चाहिए हाँ, नहीं हाँ। ये बात बिल्कुल इनकी सही है कि हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है तो वो मेमोराइजेशन के ऊपर टोटली ना डिपेंड कर रहा है कि जिस हाँ, बच्चे की मेमोरी जितनी हाँ, अच्छी है हाँ। वो उतना अच्छा स्कोर करेगा अभी मजे की बात यह कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो टेस्ट है ना वो मेजरली डिपेंड्स ऑन कि किसकी मेमोरी कितनी अच्छी है ठीक है उसने जितना याद किया हुआ वो उधर लिख सकता है या नहीं लिख सकता के ऊपर तो बिल्कुल कोई चीज़ है ही नहीं और नहीं। नहीं। कल भी जो गवर्नमेंट ने वो लिया है मैं वैसे तो हमने इस टॉपिक को इतना डिस्कस नहीं करना था लेकिन आज मैं बेकरी पर गया हुआ था ना तो हमारे वो, वो गली में दो बच्चे रहते हैं तो वो उनमें से एक जो साहब हैं तो वो मतलब वैसे तो बड़े टैलेंटेड हैं

उसकी रिप्रिकॉशन मतलब उसका नेगेटिव uh, साइड ये भी तो है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इतने पक्के हो गए हैं ना दो नंबरी करने में कि क्लास मतलब ऑनलाइन वो शो करा के खुद वो कुछ और कर रहे होते हैं वो मसला वही रूट रूट में है है ना जो हाँ, जहां हाँ, से आ रहा है हमारा के हाँ, उनको इनोवेशन कोई नहीं मिल रही मतलब एक स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करता रहा हूँ क्लास में इंटरेस्ट डिवेलप नहीं हो रहा वो जो रूट कॉज है मैं वही बोलने लगा था कि एक एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो

जो लंबी लाइनें और वो चीज़ें, वो चीजें चीजें खत्म हो जाएंगी। ब्रांचलेस ब्रांचलेस बैंकिंग बैंकिंग की की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। हम हाँ। आपको किसी ब्रांच पे जाने की नहीं। वो, अच्छा, पे जाने जरूरत है। अच्छा, तो ऑलरेडी कुछ साल पहले चले ठीक है? जैसे आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये, ये अगर um, uh, वेरिफिकेशन वाले काम है वो भी आप कर लेंगे हाँ, अब हाँ। सिम की वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको हाँ, दुकानदार के पास नहीं, नहीं जाना पड़ेगा जाना आप घर पड़े पे, पे कर सकते हैं अब मैंने जो है वो मेरे पास बाइक थी मैंने उसके पेपर्स बनवाने थे

आई नहीं है ये आपको पता नहीं, नहीं, है हसन या आई नहीं है बात तो वही बना है मतलब अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ उसकी वजह से व्हिच इज द मेन कंसर्न ना मतलब नहीं आई एग्री विद दैट लेकिन अभी तक हुआ नहीं है और आगे होगा नहीं दीस आर सेपरेट क्वेश्चंस ठीक है इट्स द सेम सिस्टम जो पहले चल रहा था पहले जो है वो लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें कि अब जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ साइबर अटैक्स बढ़ गई है ठीक है जैसे पिछले कुछ सालों से कोई भी इंसिडेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स पे साइबर अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं Uh, जैसे लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ था लाहौर ब्लास्ट हुआ था ठीक है तो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सेटअप था उस पे साइबर अटैक और इन्वेस्ट मतलब एफ एफ आई भी और इस तरह की इदारे जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे साइबर अटैक स्टार्ट हो गए थे फिर रिसेंटली हम लोगों ने सुना था कि एफ बी आर पे साइबर अटैक्स हुए हैं ठीक है तो उस सेंस में आई एम कंसर्न कि भाई आप इतना डेटा जब

उस चीज पे भी गवर्नमेंट को आ, अप टू डेट रहने की जरूरत है ना अप टू डेट हाँ. वो वही मैं बात कर रहा था कि अब जैसे हैकर्स हैं ना देयर इज अ सर्टेन एज लिमिट मतलब मोस्टली जहाँ तक अब बिन थोड़ा बहुत इनटू दीस थिंग्स मैं शौक था तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी मोस्टली hackers एंड ये दे डोंट गेट ओल्ड मतलब वो छोड़ देते हैं एक पॉइंट पे आके ये चीजें लाइक इज द एज ओके ओके तो अब गवर्मेंट ने ये चीज भी इंट्रोड्यूस कराई है कि इट्स टेकिंग हाँ, इन यूथ स्पेशली इनटू साइबर सिक्योरिटी और इन चीजें हाँ, ताकि वो जो माइंड सेट वो मैच हो सके हाँ, exactly, अगला जो जिस चीज को एक्सप्लॉयट कर रहा है आपका आप पे साइबर अटैक करने के लिए हुँ, हुँ. आ, आपके पास जो बंदा बैठा है उसका भी माइंड सेट वही वाला है वही यूथ है वही

सो so, उनका थोड़ा सा इस तरफ इंटरेस्ट भी है उनका बहुत इंटरेस्ट है बेसिकली ही स्टार्टेड दैट इनिशिएटिव पी पी आई ए आई सी विच इज़ पाकिस्तान नहीं प्रेजिडेंशियल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है और बेसिकली um, मैं उसका टेस्ट भी देने गई थी बहुत गर्मी थी हम लोगों को स्टेडियम में बिठा के धूप <laughs> में उन्होंने टेस्ट दिया था बट इंटरेस्टिंग पार्ट पॉज कि बहुत 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 ज़्यादा यूथ उसमें इंटरेस्टेड थी बहुत ज़्यादा ठीक है और उन्होंने सेटअप भी बहुत अच्छा सा इस तरह से किया हुआ था कि आ, जस्ट जो जॉब जॉब करने वाले लोग थे उनको भी अकोमोडेट करने के लिए क्लासेस के टाइम डिफरेंट किए हुए थे वीकेंड पे क्लासेस की हुई थी और फिर दरमियान में कोविड आ गया तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन कर दी और उस हिसाब उस से दे आर डूइंग रियली गुड मतलब जो आ, कल जो था उसमें उन्होंने मेंशन भी इस चीज़ को किया था इसके अलावा जो डी स्किल्स का उससे पहले से ही चल रहा है बल्कि कि उसको आ, उसके ज़रिए से हम स्किल्स आ, सिखा रहे हैं तो मेरे इसमें ये चीज़ थी कि ये जो आपने पहले एजुकेशन सिस्टम को भी डिस्कस किया तो इसको हमें हमारा जो ऑलरेडी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर ये चीज़ें जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये वहाँ पर सिखाई जाएँ जहाँ पर उनको और बहुत सारी चीज़ें वो बच्चे सीख रहे हैं Uh, बहुत सारे कोर्सेज मेमोराइज कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी उसको जरा कम करके उस बर्डन को हाँ तो टेक्निकल स्किल्स वहाँ बिल्कुल, वहाँ पे दी जाए तो और मेरे ख्याल में जब आ, छोटी क्लास से बच्चे को उस चीज़ में मतलब बताया जाएगा तो वो इंटरेस्ट भी वहाँ से डेवलप होगा ना हाँ अब जैसे आजकल के बच्चे हैं दे आर वेरी मच इन टू टेक्नोलॉजी बट हमने उनकी डायरेक्शन थोड़ी ठीक रखनी है हमें पता हो कि कौन सा रास्ता उन्हें दिखाना है बिकॉज वो बच्चे हैं वो वही करेंगे जो वो अगले को देखेंगे आई आई एग्री एग्री आपने प्रेजिडेंशियल एड्रेस uh, की बात की तो लेट्स टॉक अबाउट दैट और क्या क्या बातें हुई uh, और uh, ये प्रेजिडेंशियल uh, uh, जो एड्रेस uh, uh, हुआ हर, हर क्यों था हर साल पार्लिमा, uh, पार्लिमा, हर मरतबा जब पार्लिमानी साल का आगाज होता है तो उसमें एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों के मेंबर्स को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट सो so, इस दफ़ा भी ऐसा ही था इससे पहले एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके हवाले से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बिल गवर्नमेंट अभी इसको ड्राफ्ट कर किया है कर रही है सो so, अभी टेबल नहीं किया तो वो लाना चाह रही थी उस पर मीडिया वाले खासे प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल उन्होंने उसके बाईकॉट का भी ऐलान किया था लेकिन उससे पहले जो प्रेस गैलरी थी उसको ताले लगे हुए थे वो जा ही नहीं सके और उसको उसका बायकाट कर सकें जो प्रेसिडेंट का एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट की जो थ्री इयर्स की परफॉर्मेंस थी उसको उन्होंने डिस्कस किया लाइक उन्होंने इकॉनमी पर बात की कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है आ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी कि इम्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ अगर वो भी डिस्कस कर देते अच्छा इसी तरीके से उन्होंने एजुकेशन पे बात की उन्होंने आ, कि हम जो स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं लेकिन इसमें एक जो मुझे ही प्रॉब्लम लगती है वो जो ऑलरेडी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और प्रोग्राम्स चल रहे थे ना वो बंद हुए हैं और उसकी जगह नए प्रोग्राम्स इनिशिएट हुए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लोग लोगेक्ट हुए हैं जी जी दूसरा एजुकेशन पे भी बहुत सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह के स्टेप्स भी मेरे ख्याल में लेने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में प्रेजिडेंट साहब ने फ़ॉरन पॉलिसी पर भी कल बात की है कि उस पे, मतलब उसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है उस पर उस पर देखें उस पर यह है कि मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा कि इस वक्त हम ऐसा नहीं इस वक्त इतने जल्दी हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने फॉरेन इंटरनेशनल जो जो स्टेप्स लिए हैं इस वक्त क्योंकि बहुत सारी डोमेस्टिक और रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इसका तो हम तीन चार साल के बाद ही जाके देखेंगे कि पाकिस्तान ने उस इस वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए थे इस वक्त जो स्टेप्स लिए थे इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान का जो रोल है वो रीजन में एटलीस्ट बड़ा क्रिटिकल इंटरनेशनली भी इसको खासा देखा जा रहा है तो ये तो कुछ अर्से के बाद जाके पता चल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर तीन साल की परफॉर्मेंस अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान प्लेड इट रियली वेल ठीक है आप इंडिया को काउंटर करने के हिसाब से देख लें ठीक है हम बार बार कश्मीर को जिस तरह से इंटरनेशनली हाईलाइट कर रहे हैं मुझे लगता है कि कश्मीर वाला इशू इंटरनेशनली और बेहतर तरीके से हाईलाइट हो सकता है बट पिछली गवर्नमेंट से पिछले जो दो गवर्नमेंट्स रही हैं उनसे बहुत बेहतर तरीके से हुआ है एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अफ़गानिस्तान वाला इशू जिस तरह से एक क्राइसिस देख रहा था कि अच्छा जब विड्रॉल होगा तालिबान आएंगे तो किस तरह से मतलब सिचुएशन अनवाइंड uh, होती है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली मतलब उस चीज़ को डील किया है जिस तरह से ओवरऑल एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा है हेल्प करने, असिस्ट करने के हिसाब से भी और मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को जितना असिस्ट किया है पाकिस्तान ने मतलब तो उस हिसाब से मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी वाले फ्रंट पर येस मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा मतलब अभी इन एक तीन एक सालों एक में चीज़, एक चीज़ और जो डिस्कस हुई कल वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस किया आर एफ अलवी साहब ने उसमें बिलियन ट्री सुनामी नामी टेन बिलियन ट्रीज गवर्नमेंट लगा रही है हुँ, तो हुँ, उसको हुँ, हुँ, इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल रही है इस पर लेकिन मेरी जो रिजर्वेशन है उसमें ये है कि अगर दस अरब दरख्त वो पाँच साल में लगाने जा रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट लगा सकती है दरख्त लगाने की जो कैम्पेंस हैं वो डेफिनेटली चली हैं लेकिन थोड़ा सा ना इसको हमें दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा कि जो दरख्त लगाने लगाना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन जो जंगलात का जो कटाव ये दर जो कटने की रफ़्तार है वो उससे वो भी रोकना, रोकना भी जरूरी वो रोकना है उससे भी जरूरी exactly. है और दूसरा गवर्नमेंट की कैपेसिटी को भी देखना होगा कि क्या दस अरब दरख्त लगाए जा सकते हैं दस अरब दरख्त लगाने का मतलब अच्छा के पी वाली जो एग्जाम्पल है ना ठीक है उस हिसाब से अगर आपकी प्रोजेक्शन इज टेन ठीक है और आप उसमें से सात भी अचीव कर लेते हैं ना विद रिसोर्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास हैं तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल है तो अगर टेन परसेंट भी इसका अचीव हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है उसकी वजह पता है क्या मैंने एक दफ़ा कैलकुलेशन की तो ये पचास से सतावन लाख दरख्त डेली दे, बनते हैं कि गवर्नमेंट अगर डेली इतने लगाए पाँच साल में कोई छुट्टी किए बगैर अगर एक दिन में पचास से साठ लाख दरख्त लगाएगी तब जाके दस अरब दरख्त पाँच सालों में लग सकते हैं अच्छा मेरा कंसर्न एक और भी है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दरख्त लगाएं ठीक है बट फिर आप उसका ख्याल भी रखें जब वो बहुत छोटा पौधा है ठीक है जितने एक्सट्रीम वेदर हमारे डिफरेंट रीजनस में होता है इंक्लूडिंग अब तो इस्लाबाद में भी जितनी गर्मी और जितनी शदीद सख्त सर्दी पड़ रही होती है ठीक है तो जब आप दरख्त लगा रहे हैं यू नीड टू हैव अ टीम जो उसको लुक आफ्टर भी करे ताकि वो वो आपकी एफ़र्ट ज़ाया ना हो जाए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है uh, अच्छा आई फील लाइक ये जो इमरान खान ने प्रमिसेज किए थे ना कि वो यूथ को इनोवेट करेंगे दैट ही फुलफिल्ड इस सेक्टर में भी I इससे पहले so. इससे पहले जो गवर्नमेंट थी ना दे ट्राई टू डू एवरी थिंग बाई दे अब हाँ. जो गवर्नमेंट है वो वॉलेंटियर्स भी ले रही है जो अच्छा पता है वो जो टास्क फोर्स इन्होंने इसमें भी शायद कोई टास्क फोर्स बनाई थी बट वो टास्क फोर्स काम तो नहीं कर रहे टास्क फोर्स Uh, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वॉल्टियर करती हैं फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक दीज ओके वो okay. उनको भी ये चीजें करने देते हैं मतलब द गवर्नमेंट मतलब प्राइवेटाइज करते हैं कुछ चीजों हाँ, को हर हाँ, okay. चीजें जो है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देता है ओके okay, जैसे आई एम फ्रॉम तो उस तरफ जो दरख्त लगे थे तो देर वॉज ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी एंड द गवर्नमेंट सपोर्टेड देम और उन्होंने काफी हेल्प की गवर्नमेंट की वो वाले दरख्त लगाने में तो इफ इट्स अप्लाइड लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान Pretty sure के साल में अगर इसको follow करे ना तो this uh -huh. is very much doable. Uh, yeah, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट खुद ना भी करे ना तो सिर्फ लोगों के लेकिन बना दे तो लोग खुद भी yes. कर सकते हैं इसमें yes. uh, ये जैसे द्रख लगाने वाली ही बात है तो ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है सॉरी uh, अर्बन डेवलपमेंट के साथ शहर कैसे प्लान हो रहे हैं यहां पे कि किसी किस्म की कोई अभी तक प्लानिंग किसी भी इस वह इस्लाम के हमारा तो कोई भी जो बड़ा शहर है उसकी कोई मास्टर प्लान ही नहीं है नहीं। नहीं। तो उसके विदाउट एनी प्लानिंग जब शहर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं तो उनके आसपास का जितना जंगल और इको सिस्टम है ना वो सारे का सारा तबाह हो रहा है तो इस चीज़ को हमें उस वो जो सारा इको सिस्टम है ना उसको बचाना भी बहुत जरूरी है बिल्कुल 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 अच्छा मेरे ख्याल में हमारे पास क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम रह गया है एंड आई टू आई टू डिस्कस समथिंग जो जो मुझे एट टाइम्स फीलिंग आती है कि यहाँ ये कौन लोग हैं लिटरली कौन हैं ये लोग लिटरली हैं ये लोग हाँ कहाँ से आते हैं <laughs> आज सुबह जब मैंने मतलब ट्विटर भी खोला उस पर भी कुछ उस पर बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी बट आ, मैंने न्यूज़ जब खोली तो उसमें वही जो पिछले बहुत सारे अरसे से हो रहा है कि इंडियन आ, ट्रोल अकाउंट्स जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो उसमें इन्होंने प्रॉबिबली यलगार मूवी जो पाकिस्तानी आ, बनी थी जिसमें शान एंड उमर जसवाल ये लोग आ, उसमें एक्ट कर रहे थे किसी ट्रोल अकाउंट ने उनकी पिक्चर निकाल के कहा कि जी अच्छा फ़लाना फ़लाना कैप्टन फलाना एंड मेजर फ़लाना दे गॉट मार्टर्ड इन पंशीर और जो पाकिस्तान ने इनकी रातों रात बरियल कर दी है और कोई इनको ऑनर नहीं कर रही और इस तरह की चीज़ उसने लिखी हुई थी एंड क्लियरली आई कैन टेल कि वो एक ट्रोल अकाउंट है ठीक है एंड इंडियन टू स्टार रिटायर्ड बट टू स्टार जनरल मेजर जनरल दी, जी डे जी डी बख्शी उन्होंने इसको री रिट्वीट किया और उन्होंने ठीक ठाक साथ में तफस लिखा हाँ कि अच्छा जी इतने ऑफिसर्स थे इतने जे थे इतने ओ थे और जो पेशावर सवात और कोयटा के एमएच हॉस्पिटल्स हैं ठीक है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं विद डेड बॉडीज़ एंड खुदाना खादा इंजर्ड जो पंशी में पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है उससे एंड देयर इज़ अनदर टू स्टार जनरल इंडियन हर्ष हर्षा हर्षा काकड़ ठीक है उन्होंने भी इस चीज़ को रीट्वीट uh, करके और लिखा हुआ सो आई वाज लाइक यार मतलब कैसे बन जाते हैं ऐसे लोग दूसरा मतलब जर्नैल वो भी इंडिया इंडियन मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें फिर उस पर ऑबियसली पाकिस्तानियों ने दबा के ट्रोल किया हुआ था इवन शान ने एंड और... उमैर ने भी उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करके मतलब हेलो डियर एंड मतलब लिटरली मतलब इंडिया नीड्स टू बेसिकली थोड़ा सा मॉडरेट ना मॉडरेट ना, नहीं उनको थोड़ा सा सांस लेने की और थोड़ा सा ठंडा होने की जरूरत है एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब पिछले पिछले हफ्ते खैर वो तो बहुत ही आउट थी ये भी ऑब्वियसली है जैसे पिछले हफ्ते किसी अफगान जर्नलिस्ट ने वो आमिर लियाकत की आमिर लियात ने एक कोई दो साल पहले दो चार साल हाँ, पहले वो वीडियो, वीडियो, वीडियो बनाई थी, थी, थी अपनी जिसमें एंड पे वो शहीद हो जाते हैं ठीक है <laughs> तो वो वो वाला स्क्रीन शॉट लेके जहाँ पे वो शहीद <laughs> हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी उस स्क्रीन शॉट लगा के कि कर्नल आर दिल गॉड मार्टर इन पंशी मतलब लिटरली यार मतलब तो थोड़ा सा तो रिसर्च कर लो थोड़ा सा तो किसी से तुम्हें नहीं पता किसी से पूछ लो कि ये एक्चुअल है ये फेक है ठीक है और फिर उसको ठीक ठाक लोगों ने रीट्वीट किया हुआ था करना लादिल बना के एंड uh, मेरे ख्याल में फिर उसी पे ए आर वाई वालों ने आमिर लियात को लिया हुआ भी था क्या, <laughs> लाइफ। <laughs> नहीं, <जीद हो> <laughs> okay, ये बंदा जिंदा है और ये बिल्कुल भी करना लादिल नहीं है सो होल्ड ऑन लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कुछ जो थोड़ी सी जिनमें थोड़ी सी सेंस बाकी है इंडियंस में वो इस चीज़ को बहुत रिग्रेट भी करते होंगे ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी ख़राब होती है इस तरह की चीज़ें करने से जो है वो खुद भी उनको ट्रोल कर रहे होते हैं हाँ 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 लेकिन अगर खुदा हास्ता एज ए पाकिस्तानी मैं उस सेंस में अगर सोचूं कि कोई पाकिस्तानी जर्नेल या कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इस तरह की फजूल हरकत करे तो आई फील कि यार ये कोई इसको बताया कि यार ये इस तरह से नहीं है मतलब आप क्रेडिबिलिटी अपनी लूज़ कर रहे हैं आप अपनी कंट्री की क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं तो यू आर इन अ वेरी एक पोजीशन ऑफ पावर में आप यू आर एवरी स्टेटमेंट मैटर्स हां हां तो आई होप कि थोड़ी सी सेंस बन जाए एंड मेरे ख्याल में हम एक्सीड कर रहे हैं टाइम एंड सलमान इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग आज कि बस कर दें और पॉडकास्ट ख़त्म कर दें सो दिस वाज आर टूडेज पॉड हाँ डी सॉरी थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी दिस दिस वॉज आर टूडेज डी So, uh, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको आज uh, कौन से टॉपिक्स अच्छे लगे एंड आप कौन से टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं थैंक यू खुदाफिफ़ि